लोग बिना पैसा एक रुपया लिए भी इनसे लड़ के लोगों का पैसा दिलवाएंगे बिना डरे इनसे और बिना बिके, ये चीज जान ले। और टोटल रूपरेखा एक महीना के बाद चेंज होने वाला है, ये हम लोग मिलके करेंगे कुशवाहा सर, घबराए नहीं, सारा रोड मैप हम लोग भी दिमाग में चल रहा है कि कैसे करना। पैसा निकालना 1,00,000 करोड़ के लिए, क्या 100 करोड़ 200 करोड़ हम लोग खर्चा नहीं कर सकते हैं क्या? आप 1 करोड़ के फेर में ना, हम 200 करोड़ खर्चा करेंगे पैसा निकालने के लिए और सब पब्लिक देगा हम लोगों को, ठीक है? और 200 करोड़ का जो सेटअप होगा इनका निकालने के लिए 1,00,000 करोड़ नहीं, वो 1-2 करोड़ का नहीं है खेल, पूरे ऑल इंडिया में जितना हाई कोर्ट है सबके टॉप मोस्ट एडवोकेट को हम जो हायर करेंगे, टॉप मोस्ट, ठीक है, जिसका करोड़ों में फीस हो, लाख वाला नहीं चलेंगे। और आंदोलन भी उसी तरह से होगा जिस हिसाब से हम लोगों का ये क्लेम है 1,00,000 करोड़ का। 1,00,000 करोड़ को अगर पाने के लिए 100-200 करोड़ खर्चा भी करना पड़े, हम निवेशकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आपका 10 लाख डूब रहा है तो 5-10 हजार और डुबाइए, 10 हजार और डुबाइए, देखते हैं क्या होता है। और जिस दिन 200-400 करोड़ रुपया लेके आप निकालने चल दीजिएगा ना, और हर एक स्टेट के डीजीपी को इन्फॉर्म करके जाइएगा कि हम चल रहे हैं सारा सिटी में, आज प्रशासन को भेजिए और जितना FIR देश भर में है उन लोगों को हम लोग खोज के निकालेंगे, आपको ना नहीं मिल रहे हैं, हम लोग खोज लेंगे कि कहाँ है वो, देखिए कैसे हड़कंप मचता है। और ये लोहा के नतमस्तक नहीं हो गए निवेशकों के सामने, एजेंटों के सामने की गलती हो गया तो आप कहिएगा, तो थोड़ा सा रूपरेखा बदलने की जरूरत है। वो जय हो करने से रोड पर नहीं होगा, पैसा का लड़ाई है, पैसा से ही निकलेगा। क्योंकि हम लोग 200-250 लोग लेते हैं, इसी में लोग परेशान रहते हैं कि 200 से राजा बन गया, लोग का टेंशन इसी से है। लेकिन जब हम 5-10 हजार का डिमांड कर देंगे कि 10 हजार लगेगा और सहारा से लड़ने के लिए, देखिए कैसे लोग जमा भी करते हैं और कैसे हम लोग लड़ते भी हैं, काफिला चलेगा सहारा से रिकवरी के लिए, काफिला चलेगा। बहुत सारे शुभम जी ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं कि सर क्या झुंझुना 250 रुपया का ले रहे हैं, मेरा 10 लाख रुपया जमा है, मेरा 20 लाख रुपया जमा है, बोलिए 5,000-10,000 हम लोग देने को तैयार है। वो तो हमने रोक के रखा कि नहीं, हमको उतना का जरूरत ही नहीं है, नहीं पैसा तो जरूरत पड़ेगी सर। पहले सरकार को देख लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को देख लिया जाए, हम लोग 1 रुपया किसी का फालतू नहीं चाहते हैं खर्चा हो। पहले सुप्रीम कोर्ट और सरकार को देख लीजिए, और सरकार पे प्रेशर बनाना इसलिए जरूरी है कि जो SFIO है, ED हो, इस पे अगर प्रेशर आप नहीं डालिएगा, सुप्रीम कोर्ट को इसको में ले आइएगा नहीं, तो ये जांच चलते रह जाता है, 10 साल जांच चलते ही रह जाएगा। तो हमको वैसा रिपोर्ट नहीं चाहिए जो कि आप 10 साल बाद दें। अगर आपको सारा को क्लीन चिट भी देना है तो इमीडिएट 1 साल के अंदर, 6 महीना के अंदर, क्योंकि एक्ट प्रोविजन मात्र 3 महीना का ही है, मैक्सिमम 6 महीना में आपको रिपोर्ट दे देना है। तो आप क्यों डिले कर रहे हैं, हम उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सबको कटघरे में लाना है, केवल हम लोग इंतजार करेंगे छठ तक, क्या उस सब का भी CBI जांच होगा कि एक उसके बाद हम लोग अपना कार्रवाई जो शुरू करना था वो शुरुआत कर देंगे सर, बस छठ तक रुक गई है। कोई भी सोसाइटी का सर पहले 2 स्टेट में परमिशन मिलता है काम करने के लिए, इसको 22 स्टेट, 16 स्टेट, 14 स्टेट में कैसे मिला, उसका कंप्लायंस क्या है, सब फाइल खुलेगा सर, घबराने की बात नहीं है। जैसे हुआ था ना सहारा शहर का जो जमीन था, वो कोई स्टाफ सेटिंग करके और 100 करोड़ रुपया रेवेन्यू का लॉस करा दिया था, तो पकड़ाया तो 100 करोड़ ले जाकर सहारा ने जमा कर दिया, लेकिन जो गड़बड़ी किया था स्टाफ उसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन उसके पीछे है, तो सब एक एक चीज नोट डाउन यहाँ पे है। और पूरा रिकवरी टीम बनेगी इसको, 100-200 करोड़ रुपया खर्चा लगेगा, 1,00,000 करोड़ इनको देना पड़ेगा, इनका संपत्ति 10 लाख करोड़ है, बहुत अच्छा है, उसी में से 1,00,000 करोड़ हम लोग लेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहे सब लोग, आई कहीं जाने वाला ही नहीं है। नहीं तो ईमानदारी से सहारा को आना है, आ जाए वो सहारा इंडिया परिवार के लेटर हेड पे जारी करना, सब कुछ बंद करे, लेटर हेड यूज होगा तो सहारा क्रेडिट का करे, सहारियन का करे, हमारा इंडिया का करे, सहारा इंडिया परिवार वाला जो भ्रामक लेटर है वो अगर जारी होता है तो इसके अगेंस्ट में भी 420 का केस होना चाहिए। बहुत लोग काबिल बन रहे हैं फिर तो सहारा इंडिया परिवार का लेटर हेड आ गया, नहीं ये तो केवल ढकोसला बात है, सहारा का लेटर है, परिवार के नाम से कोई कम से रजिस्ट्रेशन नहीं है। कल भाई लोग बहुत खुश हो गए ऑफिस श्रीवास्तव का लेटर जारी, जी सर जी हाँ, तो कुछ कुछ नया स्कीम लॉन्च करना होगा उसको, हाँ पलट देगा फिर ये सोसाइटी वाले बॉन्ड देने की कोशिश हो रही है। नहीं सर, देखिए कुछ गलतियां तो इधर से भी हुआ है,
जब इतना कुछ हो गया उसके बाद भी ई स्कूटी और क्या क्या अभी विंड्स फिंड लाया, उसने पब्लिक क्यों पैसा लगवाया? हम तो चाह रहे उसमें जो एजेंट काम किया वो मरे फंसे। जब तुमको मालूम था कि इतना कुछ होगा तो पब्लिक का तुम पैसा क्यों लगवाया उसमें? उस पर तो लोग काम भी नहीं करेंगे। हम लोग स्कूटी को या तो बताएगा कि हमारी दुनिया और ई स्कूट सहारा इंडिया का ग्रुप कंपनी है या ग्रुप डिपॉजिट है, कोई आके बताएगा? जो लोग जानकार हैं मैनेजमेंट के टच में हैं, जो 1000 करोड़ बता रहे हैं कि जमा हो गया आज, तो सुप्रीम कोर्ट को 1000 करोड़ से नहीं मतलब था, इनका स्कीम अप्रूव हुआ कि नहीं, ये कोई बताएगा? आके जयपुर वाले कहां वाले भाई साहब सुबह में आके बता गए कि 1000 करोड़ जमा हो गया। तो 1000 करोड़ से कोई कोर्ट को मतलब नहीं था, कोर्ट को मतलब था कि जो आप स्कीम दिए हैं उसके उसमें एक जेडीए करने कौन पार्टी आया, उसका अप्रूवल मिला कि नहीं मिला, इसकी जानकारी दीजिए। 1000 करोड़ कुछ नहीं है। ये तो देखिए ये जो आते हैं ना हाथरस वाले, ये आज कह दिए कि ये जमा हो गया और जिस दिन सुनवाई हुई थी 5 तारीख को उसका 2-3 दिन के बाद ही आगे कह दिए कि जमा हो गया, मतलब 2 बार जमा हो गया क्या? इस आदमी को ये टेंशन नहीं कि सारा इंडिया किस हो जाए, इनको ये टेंशन है कि लोग चंदा लेकर केस क्यों लड़ रहे हैं, इनको ये टेंशन है इन लोगों को। तो क्या करें भाई, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोग को चंदा लेकर। अरे उन लोगों को भी हम बधाई देते हैं कि चलिए आ तो रहे हैं, कम से कम सहारा के डायरेक्टरों के साथ छुपे तो नहीं है, सबको बधाई है कि आप वो आके बता रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये सब भी बताएं कि अप्रूवल के लिए 5 लाख करोड़ देने कोई आया कि नहीं आया? 5 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, उसमें हम लोगों का भी शेयर है, जैसे वहां आएगा तभी हम लोगों को मिलेगा। तो वो खुशखबरी आके दे दे कि 5 लाख करोड़ का कस्टमर मिल गया, या किसी बैंक से हमने फाइनेंस करवा लिया, इन प्रिंसिपल एक सेंक्शन लेटर लेके आ जाए सुप्रीम कोर्ट में कि ये प्रोजेक्ट है, ये बैंक अप्रूव कर दिया लोन इस पे, क्योंकि लोन लेके ही प्रोजेक्ट बनेगा उतना बड़ा, इंडिविजुअल तो किसी की कैपेसिटी है नहीं कि बना दे। तो एक इन प्रिंसिपल सेंक्शन लेटर जारी कर दे कि हाँ ये लोन हो गया इस प्रोजेक्ट पर, प्रोजेक्ट फाइनेंस हो गया मेरा। चला सर, बहुत सारा सवाल है, काफी लंबा लाइव हो रहा है, फिर अगले दिन हम लाइव है इस पे लंबा है अभी, और कल होपफुली आशुतोष जी आ जाएंगे डिबेट में, तो अभी डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट अनवर जी एक बार आप लाइव के बाद हमसे फोन में बात कीजिएगा, आप शायद बनपुर में पैसा लगाए थे क्या? नहीं सर, हम बनपुर में जो है मेरे फादर जो है काम करते थे बनपुर, स्टील फैक्ट्री थी ना सर, आप मेरा नंबर ले लीजिए, लाइव में हम बात नहीं करेंगे, आप मेरा नंबर ले लीजिए 9931549937। एक मिनट सर, अभी क्योंकि सर अभी हम प्रेजेंट में है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, और हम प्रेजेंट वर्क में है हम भारत सरकार की कंपनी PCIL में, जो विजय सर जानते होंगे जी, हम बानपुर के नजदीक में ही रहते हैं, इसलिए आपका बात पर हम इंटरेस्ट लिए हैं। सर नंबर बतला दीजिए सर, 9993153577। क्योंकि सर 10 नंबर गेट जो है रंगापारा धर्मपुरा लाइव में नहीं फोन कर लेंगे हम लोग। ठीक है सर, सभी को नमस्कार, लाइव में बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं सर, नवरात्रि की भी शुभकामनाएं सभी। जी सर नमस्कार, आप सभी को भी नवरात्रि की शुभकामनाएं सर। जी सर, सभी दर्शकों को भी।